हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम सब शुरू करते हैं आज की सिख और यात्रा को। और आज हम 12087 नाहरलगुन गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले हैं। इसको मैं कह सकता हूँ इंडिया की सबसे छोटी शताब्दी एक्सप्रेस, डब्बों के मामले में भी और डिस्टेंस के मामले में भी। मात्र 332 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को जो है चलाया जाता है और नाहरलगुन को गुवाहाटी से कनेक्ट करती है। यहाँ पर कई सारे रिमोट लोकेशन इलाके हैं, तो काइंड ऑफ उसके लिए भी इस ट्रेन को जो है चलाया जाता है। तो नाहरलगुन सच में दोस्तों बहुत सुंदर सिटी है। अभी आपने कुछ शॉट्स वगैरह में भी देखा होगा, उसको आगे देखेंगे। 6:45 पर ट्रेन यहाँ से खुलेगी और 12:30 वहाँ पहुँचेगी, तो लगभग 6 घंटे के आसपास जो है इसको टाइम दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग थोड़ा लोकोमोटिव देखने के लिए बाहर आ गए थे, तो अंडल का एक इसमें AMD लोकोमोटिव लगा हुआ है, यही हमें गुवाहाटी तक लेकर के जाएगा। और नाहरलगुन जरा देखो यार, एक नज़र में क्या खूबसूरत जगह है नाहरलगुन, मतलब जस्ट लुक एट इट। बाय द वे, आपको ना एक बात बतानी थी, अगर आप नाहरलगुन आते हो तो आपको एक इनर लाइन परमिट ILP चाहिए होगा बाहर निकलने के लिए। बट अगर आपका हमारा वाला केस है, मतलब कि अगर आप ये जो यहाँ पे खड़ी है डाइनी पोलो इससे आते हो और सुबह ये वाली ट्रेन लेकर के वापस चले जाते हो, तो आपको किसी भी टाइप की ILP की ज़रूरत नहीं है। हमने खुद यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे कंफर्म करी पहले ये बात, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको ILP नहीं लेना, बशर्ते आपको स्टेशन के बाहर ही निकलने दिया जाएगा। यदि आपको स्टेशन के बाहर निकलना है तो आपको ILP लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक कैच ये है कि ILP जो जहाँ बनता है वो ऑफिस इतनी सुबह सुबह नहीं खुलता, क्योंकि 6:45 पे ट्रेन यहाँ से डिपार्चर भी ले लेगी, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर जर्नी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों वक्त हो चला है नाहरलगुन से निकलने का, 7:45 हो चुके हैं, 6:45 हो चुके हैं, बिल्कुल अपने राइट टाइम पे ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बरखा रानी बड़ी सी यार। EMD अपनी पावर दिखाते हुए, तो दोस्तों ईटानगर से यानी कि नाहरलगुन से हम लोग जो है निकल चुके हैं। डिपार्चर के टाइम में व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज हुआ क्या, अंदर बैठे हुए थे, अंदर AC बहुत तेज़ चल रहा है और जैसे मैं बाहर आया मेरे चश्मे पे एकदम से फॉग आ गया, एट दैट टाइम डिपार्चर का हो गया था। सो आई थॉट व्लॉग करने से बेटर यह है कि मैं डिपार्चर ले हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेन लाइन पर आई है ट्रेन, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो पता नहीं। ट्रेन में हमें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा एज अ मील, लंच का मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि होगा या नहीं होगा। बट ना डीजल की स्मेल आ रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज EOG हमारे आगे ही है, डीजल की बहुत तेज़ स्मेल आ रही है। तो दोस्तों अभी वक्त हो चला है यहाँ हरमूती जंक्शन पहुँचने का, और उससे पहले एक 90° कर्व आता है, तो फिलहाल उसी कर्व को जो है हम अभी ले रहे हैं और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में।
ठीक है जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं हमूर्ति जंक्शन के ऊपर और ये जो स्टेशन है ना, मतलब एक्चुअली जो ट्रेन अटेंडेंट उसने हमें अंदर बिठा दिया क्योंकि इस रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ होती है। पर मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ के बारे में। ये एक्चुअली इस स्टेशन से एक ब्रांच लाइन कटती है जो कि नाहरलगुन की तरफ हो जाती है। ये अब हम मेन लाइन पर आ गए हैं। अगर आप मुर्गो जिले डिब्रूगढ़ की तरफ से अगर आते हैं तो ये वो मेन रास्ता है जहाँ से आप ज्वाइन कर लेते हो इसको। अब यहाँ से मेन लाइन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट हाँ, देखते हैं कि कोई क्रॉसिंग वगैरह मिलती है नहीं मिलती और कहाँ तक ये आई थिंक अब आगे डबल लाइन है ना। बट आगे पूरा गुवाहाटी, अच्छा पूरा ही सिंगल लाइन सेक्शन है। बट थैंकफुली हमारी ट्रेन जो है अभी खाली पड़ी है तो हो सकता है किसी और स्टेशन से यहाँ पे लोग चढ़ें। तो हमने सोचा कि आपको हमूर्ति का जो डिपार्चर इस तरह से दिखाते हैं। हर मूर्ति है ना, हमूर्ति हमूर्ति में गलत बोल रहा हूँ ना, हर मूर्ति जंक्शन। लास्ट में विस्टर्ड होम कोच बिग रॉन्ग रिवर। चाय दूध चाय है ना भाई। यहाँ पे हमें डबल डायमंड टी बैग जो है दिया गया है। मैंने अपना मिक्स रेडी कर लिया, उसमें डिप डालते हैं जो है और थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं। साथ में एक मारी का क्रेमिका का मारी का पैकेट दिया गया है और विश्वनाथ चौराली स्टेशन और यहाँ पे भी हमारा सीटू जो है डब्बा नहीं भरा।
इसके आगे स्टेशन पड़ेगा रंगापारा नॉर्थ। क्या भारी नाम है ना, रंगापारा नॉर्थ। अंदर दिखाता हूँ आपको मैं। एज़ यूजुअल ज़्यादा लोग अभी भी नहीं आए हैं, ऑल दो हमारा डब्बा ही नहीं है। और इधर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। और दोस्तों इस ट्रेन का जो ईओजी है ना, वो इतना धुआं फेंक रहा है, तो देखो सारा धुआं जो है वो उसी का क्रिएटेड करा हुआ है। जो खूबसूरत जगह का ऐसे गंदा कर रहे हैं लोग। मैं तो थोड़ा ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ। अब देखो जितना भी धुआं फेंक रहा है ना, वो सारा का सारा धुआं ईओजी से आ रहा है। एक्चुअली क्या है, सीधा साधा स्टेशन है और इतनी छोटी सी ट्रेन है कि सब कुछ अराइवल में कवर हो जाता है। तो ऐसे डिपार्चर लेने का कोई मन नहीं है। आपको यहीं खिड़की से थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। मेन इसके बाद कैप्चर जो हमारा रहेगा वो रखेंगे हम रंगापारा नॉर्थ। ऐसा नहीं है, नाम बड़ा भारी नहीं है, रंगापारा नॉर्थ ऐसा लग रहा है जैसे किसी साउथ फिल्म के गुंडे का नाम। वही 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 रंगापारा को बुलाऊंगा मैं। रंगापारा को बुलाऊंगा। ऐटा पोने हमारा नाश्ता हो भी। ये हमारा रास्ता है। सबसे पहले तो वही हमारा नकली वाला मेनिया गोल्ड। राजमिया इसका क्या गाना बनाया था उन्होंने, इसका क्या गाना बनाया था, मेनिया मेनिया मेनिया। अरे काचा काचा छोटा छोटा मेनिया लाइव। ओके तो ब्रेड कटलेट्स हैं आज, गर्मा गर्म कटलेट्स। दोस्तों तो वैसे तो पूरे रास्ते के अंदर एक भी क्रॉसिंग नहीं है, बट अभी हमें लगता है कि एक मिल गई है, जो कि मुर्गो जिले एक पैसेंजर है ना एजाज मियाँ, मुर्गो जिले के लिए पैसेंजर है। देखते हैं कि देर में आती है। गुवाहाटी रंगिया मुर्गोजेली पैसेंजर में डबल EMD लगे हुए। तो दोस्तों फाइनली उस स्टेशन पे पहुंचने का टाइम हो गया है, जिसकी बातें अभी काफ़ी देर से हो रही थी, यानी कि रंगापारा नॉर्थ। दोस्तों चाय के बगाने हैं। और हमें हमारा रूट इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पे, जंक्शन रूट इंडिकेटर के साथ टाइम। लेफ्ट साइड की लाइन पे हमें लूप पे डाला जाएगा। अब गए हम लूप। यार बड़ा स्टेशन है रंगापारा नॉर्थ तो, काफी बड़ा स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं रंगापारा नॉर्थ, और इस स्टेशन को भी जंक्शन कहा जाता है। और जंक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे तेजपुर डेकर गांव की तरफ से लाइन आकर के मिलती है, ठीक है। बाकी हमारी ट्रेन का सिग्नल हो गया है तो अंदर चलते हैं। क्या हुआ,
तो सिग्नल भी हो चुका है यहाँ पे। बाकी हमारे को स्टील के कोच ने कहा था कि आप जो है टीटी से बात कर सकते हैं मिस्टर डोम कोच में जाने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने बात करी, बट उन्होंने अभी तेजपुर डेकर गांव की तरफ ये वाली तेजपुर डेकर गांव की तरफ लाइन चल रही है, सिंगल लाइन चल रही है। हाँ सारा सिंगल, हम भी तो सिंगल लाइन वाले ही हैं। हाँ हम भी सिंगल लाइन वाले ही हैं, सिंगल लाइन से दूसरा स्टेशन है जो बड़ा है। हाँ भाई पूरा झूल रहा है, मैंने कैमरा निकाल रखा। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी है इनके पास, कितना बड़ा हो गया रंगा पारा। एक फिर तो सच में कोई ना कोई तोप स्टेशन होगा ये, देख रहे हो कितनी मशीनरी खड़ी है यहाँ पे। हाँ ये तो मैंने गुवाहाटी से नाहरलगुन तक कहीं नहीं देखा इतना। जाओ उधर जाओ उधर कर दो। तो इसको हम काइंड ऑफ ओवरटेक बोल सकते हैं। ये भी दोस्तों डेकर गांव रंगिया पैसेंजर है। निकालो भाई उडेलगोरी से, हमारी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम थोड़ा सा नीचे उतरते जा रहे हैं। तो अभी तक तो रंगी आने वाला है एक दो स्टेशन के बाद, अभी हम लोग गोरेश्वर पे खड़े हुए हैं। अब क्योंकि नाहरलगुन से लेकर के रंगिया तक सारा सिंगल लाइन सेक्शन है, तो पैसेंजर गाड़ी के लिए भी हमको रुकना पड़ता है, तो आई थिंक हम उसी के लिए रुके हुए हैं। मुझे सच में कंट्रोलिंग का समझ में नहीं आता है, यहाँ पे शताब्दी गाड़ी को रोक करके ये लोग पैसेंजर को रास्ता देते हैं, क्योंकि शताब्दी में पैसेंजर है ही नहीं। सोचने वाली बात तो ये है ना, शताब्दी तो खाली चल रही है, शताब्दी में कोई है ही नहीं। तो तुमने जो ज़्यादा किराया दिया उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि शताब्दी में लोग नहीं है इसलिए आपको सीट नहीं दी, मतलब आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। दो बार ऐसा हो चुका, हमें लूप पे ले आके खड़ा कर देते हैं, फिर एक पैसेंजर आती है, पैसेंजर आके खड़ी होती है, फिर कहीं जाके हमें निकाला जाता है। देख रहा है विनोद कैसे हमको लेट कराया जा रहा है, पैसेंजर बोल बोल के हमको लूप किया जा रहा है। तो दोस्तों रंगिया जंक्शन पे हमारा अराइवल हो रहा है, वहाँ पे यार्ड भी स्टार्ट हो गया है उस साइड से। बढ़िया से कर्व के साथ हमारा अराइवल होगा। रंगिया जंक्शन फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं रंगिया जंक्शन। मेरे पीछे खड़ी हुई है शताब्दी एक्सप्रेस, और यहां से हमारी ट्रेन का जो है रिवर्सल होगा, ईएमडी को यहां से हटा करके इस साइड लगाया जाएगा विस्टाडोम कोच वाली साइड, और वहां से स्टार्ट होगा हमारा गुवाहाटी की तरफ को रन। तो वो दिखाते हैं आपको, पहले लोकोमोटिव के पास चलते हैं जो कि इधर पड़ेगा। तो दोस्तों ये है ट्रेन का विस्टाडोम कोच, बाहर से दिखाते हैं आपको।
अगर मौका लगा तो अंदर जाएंगे, वरना अंदर नहीं जाएंगे। और ये है रंगिया, अभी यहाँ पे लोकोमोटिव आ रहा होगा हमारा, और सबसे बड़ा हॉल्ट है पूरे रूट का, इतना बड़ा कोई हॉल्ट ही नहीं है पूरी ट्रेन का। 25 मिनट ट्रेन यहाँ रुकेगी और आधा घंटा डिले चल रही है ना। अब देखते हैं आज कितनी देर में निकालते हैं इसको ऐसे लोग। क्यों नज़ारा है अंदर से, आपने देखा अभी विस्टाडोम कोच पीछे ये रहा, अंदर से मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी। बिकॉज मेरी टिकट नहीं है तो मैं भाई बिल्कुल अंदर नहीं घुसूंगा, बिल्कुल ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करूँगा कि मुझे शॉट लेने हैं, मुझे वीडियो बनानी है, नहीं मेरी टिकट नहीं है तब भी घुसूंगा। ठीक है, अपग्रेड के लिए मेरे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी थी टीटी से, मैंने सिर्फ टीटी साहब से ये कहा था कि एक दो स्टेशन जो हैं वो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है, इफ़ यू अलाउ मी मैं अंदर जाके एक दो फोटोज़ लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं अलाउ नहीं कर सकता, बिकॉज जो विस्टाडोम कोच है पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हम नहीं जाएंगे अंदर। तो अभी भी अंदर जाने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, जस्ट सिर्फ एक रिवर्सल का एंगल लेने के लिए मैं अंदर कोशिश करूंगा जाने की, अगर हो सका तो ठीक है, अगर ना हो कोई बात नहीं उसमें भी। अब देखते हैं हमारा लोकोमोटिव कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमारा लोकोमोटिव लग चुका है, अब इट्स टाइम, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है तो हम लोग अपने कोच में चलते हैं, वरना रंगिया ही रह जाएंगे। तो दोस्तों ट्रेन ने जो है निकल ली है, 11:59 पे ट्रेन यहाँ से निकल रही है, अभी भी AM ही है।
खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, खाली है भाई, खाली है, डब्बा ही खाली है, चढ़ जाओ। तो दोस्तों फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। ट्रेन गुवाहाटी पहुंच चुकी है और लगभग एक बज चुका है, आधा घंटा का डिले जो था वो कायम रहा, ठीक है। और बड़ा बढ़िया सफ़र था, छोटी सी शताब्दी एक्सप्रेस, बार बार मेरे मुँह से ना इसको मैं जन शताब्दी एक्सप्रेस बोल रहा हूँ क्योंकि फीलिंग काइंड ऑफ इसने वही वाली दे दी आज, थोड़ी सी पैसेंजर बन गई थी बीच में, बट मज़ा आया ओवरऑल। नाश्ता वगैरह करा ट्रेन में और काफ़ी इन्जॉय करा, पहाड़ वगैरह देखे आप लोगों के साथ। कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। अबे इसका भी हो गया पीछे हो गया। Yeah,